थैंक यू वेरी मच इंडिया, आपने दिल जीत लिए, दिल खुश कर दिए। शाइन ने भी ट्वीट किया, व्हाट अ वेलकम इंडिया, हैदराबाद वेरी वेरी वेल डन, हैट्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच। कभी भी कनेशंस पर बात मत करें, लोग होते हैं जिससे नेशन बनती है। यार अभी देखा इन गुनाहगार आंखों से हमने क्या वार्म वेलकम किया है हमारी टीम को। मैं क्लेम करूंगा इंडियन जर्नल पब्लिक के लिए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर से वो तक अपने मोबाइल से बाबर आजम की वीडियो बना रहे हैं, शाहीन की वीडियो बन रही है। बच्चों को आइडिया नहीं है, और वहां पर जो है जो इंडियंस हैं वो उनपे बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। भारत के अंदर ये सब कुछ होने के लिए सब तैयार हैं, आवाजें लगेंगी, इनके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो ये प्रेशर जो है आई डोंट नो कि ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे। हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया जितना इंडिया दे सकता था, मतलब अगर आप 100% कर रहे हो ना तो इंडिया ने 200% करने की कोशिश किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इस बार तो यार दिल ही खुश कर दिया इंडिया वालों, आप लोगों ने यकीन मान इतनी इज्जत दी है ना, मेरा दिल से तुम लोगों को सलाम है यार। हैदराबाद के इंडिया में हमारे जो है वो टीम बस में बैठे लगी तो हमने बाबर आजम के नारे जो है वो सुने कि जी किस तरह से इंडियंस बाबर आजम के नारे लगा रहे हैं, उस वक्त आई गॉट गूज़बम्प्स। ये पीसीबी ने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया एज अ पाकिस्तानी। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को कि हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। इससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी टू से क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती, मना कर देता कि खामोश बैठा रहता। जब वो देर में देते तो आप भी देर में जाते, एक आधा मैच मिस करते तो मजा तो जब आता ना इनको, पता चलता इंडिया को आप पैरों पे गिर गए, हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं। इंडिया ने वहां प्यार करती है और बड़ा ज्यादा प्यार करती है, बस वो कहते ना कि देखने की आंख होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच चुकी है और हैदराबाद के एयरपोर्ट में पाकिस्तानी टीम का भव्य स्वागत हुआ है, और इसके साथ साथ जितने भी प्लेयर थे उनको एक वार्म वेलकम दिया गया है। और जैसे ही हमारे भारतीय जब अतिथि आते हैं तो उनको एक शॉल के साथ नवाजा जाता है, उनके ऊपर जो कहते हैं ना वो सेंट वो छिड़का जाता है, वो सब किया गया। तो ये और पाकिस्तानी टीम को देखने के लिए लोग आ गए और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी लोग उमड़ पड़े। तो ये देख के बाबर शाहीन और जितने भी जो पाकिस्तानी जो बाबर की कंपनी थे वो हैरान हो गए कि भाई ये भारत है या लाहौर है, क्योंकि जिस तरीके से भारत का प्यार मिल रहा था और भारत में उनके साथ जो मेहमान नवाजी की वो भी देख के हैरान थे। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भाई भारत अपनी दुश्मन की भी मेहमान नवाजी ऐसी कर रही है, और पाकिस्तानी मीडिया भी अब भारत की तारीफ करने से रहा नहीं जा रहा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। मेहमान तो भगवान का अवतार होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ये आपने इंडिया वालों आज साबित कर दिया। जिस तरह एयरपोर्ट पे मैच छोड़े इतने थके हुए थे, लेकिन जिस तरह का आपने वेलकम कर दिया, माय गॉड, दिल खुश कर दिया। थैंक यू वेरी मच इंडिया, थैंक यू वेरी मच हैदराबाद, थैंक यू वेरी मच बिरयानी के बाबर ने 10 out of 10, होटल के मैनेजर ने कहा 10 out of 10 फॉर बिरयानी बाय बाबर। जहाज उड़ा, जहाज दुबई पहुंचा, जहाज मुंबई की फिजाओं में इंडिया में पहुंचा, जहाज इंडिया हैदराबाद में पहुंचा, और उसके बाद आप लोगों का प्यार पहुंचा। तो लाइक कीजिए, ऐसा होता है वेलकम, ये हमारा कल्चर है। ये सब कॉन्टिनेंट में कैसे मेहमानों को वेलकम किया जाता है, कैसे सरों पर बिठाया जाता है। इंडिया, हैदराबाद वेरी वेरी वेल डन, हैट्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, गार्ड्स, होटल वाले, एयरपोर्ट वाले, सारे ऐसे वेलकम कर रहे हैं जैसे कि जैसे कोई अपना घर आ जाता है, जैसे एयरपोर्ट हम अपने को लेने जाते हैं, ऐसा वेलकम दिया। यकीन करें आपने दिल जीत लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, आज आपने सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। आप यकीन करें कि दिल से दुआ दे रहा हूं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह से उतर गई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी भी नेशंस पर बात मत करें, लोग होते हैं जिससे नेशन बनती है। यार अभी देखा इन गुनाहगार आंखों से हमने क्या वार्म वेलकम किया है हमारी टीम को। मैं क्लेम करूंगा इंडियन जर्नल पब्लिक के लिए, जो सिक्योरिटी ऑफिसर से वो तक अपने मोबाइल से बाबर आजम की वीडियो बना रहे हैं, शाहीन की वीडियो बन रही है, जनाब जमान खान की, सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे, जो मामूर थे वहां पे पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी पे, यानी कि जो माहौल मुझे लगा है तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई शादी वादी नहीं होती, तो सारे रिश्तेदार जो है ना, आप तो मोबाइल आ रहा आदमी के हाथ में होता है, वो वीडियो बना रहा होता है, तो उस तरह का कोई माहौल लगा। और जिस अंदाज से सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद के लोग पहुंचे हैं वहां पर,
तो कुछ बड़ी अपनाइयत सी वहां पे लगी है, ऐसा लगा कि बाबर लाहौर में ही है तकरीबन, या कराची में ही है या पिशावर में ही है बाबर, ऐसे बाबर को मकान बहुत अच्छा जेस्चर है यार, जो जो भारत से मैं क्लेम करना चाहता हूं, पदिराई वहां पे मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान टीम को, शायद तवक्कुआत से ज्यादा दी गई, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैं नहीं समझूंगा कि मेहमान बन के गई है, ये अपना घर समझ के गए हैं, और जो आवाजें बाबर के लिए लोगों ने लगाई, शाहीन के लिए वहां पे लोगों वीडियो के अंदर जो आवाजें आई हैं, और फिर जो पब्लिक का एक शॉट नजर आया मुझे जो एयरपोर्ट पे वहां मौजूद थे पाकिस्तान टीम की बस के अंदर जो पाकिस्तान टीम बैठी थी, और जो जिस तरह वलवले से लोगों ने आवाज लगाई, बाबर आजम ने अपनी खिड़की का जो पर्दा था वो तक हटा दिया ताकि लोग उनको बाकायदा देख सके, और बाबर ने खुशी का कॉन्फिडेंस पब्लिक ने दिया ना प्यू भाई, पब्लिक ने दिया कि यार हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं, आओ देखो हमें, कप्तान के पास से एक मैसेज जाना चाहिए बाबर के पास, यकीनन अल्फाज अदा करने के लिए ना तो उस वक्त कहा गया होगा ना वो कर सकते थे, मगर चेहरे पे जो उनके हशाश बशाश वो लग रहे थे, मुस्कुराहट जो उनके जेरे लगती वो ये जरूर बता रही थी कि बाबर आजम ने यकीनन हैदराबाद पे जब अपना कदम रखा है तो उनको उनकी तवक्को से ज्यादा लोगों ने वेलकम किया। अजय इंडिया में पाकिस्तान टीम जब लैंड कर गई है हैदराबाद में, इंडिया में मतलब जिस तरह लोगों ने पाकिस्तान टीम का वेलकम किया है, मतलब यार मजा आ गया यार देख के, इंसानियत है इंडियन आवाम में, कि जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान टीम का वेलकम किया गया इंडिया में, 7 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो इंडिया गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया गई है, जिस तरह बाबर आजम को प्यार दिया गया, जिस तरह शाहीन अफरीदी के जो है वो उधर आवाजें लगाई जा रही थी, बाबर की आवाजें लगाई जा रही थी, देखो मजा आया मुझे देख के, मैं कहता हूं मैं इस वजह से इंडियन अवाम की बड़ी ज्यादा तारीफ करता हूँ, अब इंडियन अवाम प्यार करती है और बड़ा ज्यादा प्यार करती है, बस वो कहते ना कि देखने की आंख होनी चाहिए, कि आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वार्म वेलकम किया ना उससे आपने मेरे भी दिल जीत लिए हैं और आपने पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं, क्यों इस टाइम पाकिस्तान में ये ट्रेंड तो कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम हैदराबाद पहुंच गया, हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करके अब होटल में भी चले गया, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पता क्या ट्रेंड कर रहा है कि इंडियन अवाम में अवाम ने इंडियन गवर्नमेंट ने सब ने जिस तरह पाकिस्तान टीम का वेलकम किया है, पाकिस्तान टीम को वो प्रोटोकॉल दिया है, पाकिस्तान को बताया है कि आप हमारे हमसाए मुल्क हो, हम आपको प्यार देंगे, नफरतें अपनी जगह है लेकिन प्यार भी अपनी जगह है, प्यार भी देंगे, ये इंसानियत दिखाई है इंडिया ने आज, सब यार मजा आ गया है, और बड़ा मैं कहता हूं कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है पाकिस्तान में, हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया जितना इंडिया दे सकता था, मतलब अगर आप 100% कर रहे हो ना तो इंडिया ने 200% करने की कोशिश किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, ये इस तरह से हमारा वार्म वेलकम किया जाएगा, बाकी टीमों का भी उन्होंने वेलकम किया, लेकिन जो पाकिस्तान का किया उन्होंने वेख के लग रहा है जिवें ना एनजी रील कर गया सानू कटना है। उम्मीद की बात तो बिल्कुल नहीं थी यार, उम्मीद से पढ़ के उन्होंने जैसा वार्मली वेलकम किया ना दिल खुश हो गए यार, हमारे लिए हम ना वर्ल्ड कप जीत गए हैं, जीत गए जैसा उन्होंने वार्मली वेलकम किया ना, हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी, अगर हम मीडिया देखें उनकी रूमर्स देखें मीडिया के जैसे चल रहा है सारा, हमेशा होता है पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का इमेज कि उधर कोई बाबर का फैन नजर आ जाए तो बहुत टॉर्चर किया जाता है, इधर कोई कोहली का आ जाए बहुत टॉर्चर किया जाता है, वो सारी रूमर्स और इतना आज हमें खत्म होती नजर आई है, हम बहुत बुरा जलील होने वाले हैं, वो एक जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपको एक थोड़ा सा होता है कि यार कुछ बुरा ना हो जाए कहीं पे, वो होता है वो मुझ में थोड़ा सा था यार, इन्होंने इतना अच्छा हमारा वेलकम किया, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान हार के भी आ जाए तो हमें उतना दुख नहीं होगा अगर इन्होंने अच्छा वेलकम नहीं किया तब होना। मुझे उम्मीद है मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा निशान उधर नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंडिया में जाएंगे उनका इतने अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल मिलेगा, पहली बात तो ये, इतने कैमरामैन वहाँ में पहुंचे होंगे, मुझे इस चीज़ की जरा भी उम्मीद नहीं, मैं तो कहा यार जाएंगे बेस्ती होगी इन लोगों की, मैच हारेंगे वापस आ जाएंगे, पर मैच हारने की क्या बात है, इनको प्रोटोकॉल वो मिलेगा, मैच हार भी जाए ना मेरी तरफ से ना मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इनको देख के, अब एक दिन की खुशी होती है कि इंडिया वालों ने हमें इतनी दे दी है, इज्जत दे दी है। हैदराबाद के इंडिया में हमारे जो है वो टीम बस में बैठे लगी तो हमने बाबर आजम के नारे जो है वो सुने कि जी किस तरह से इंडियंस बाबर आजम के नारे लगा रहे हैं, उस वक्त आई गॉट गूज़बम्प्स के वाओ यार हमारे बाबर आजम कितने अच्छे अच्छे फैंस हैं, तो यार ना हमारे बाबर आजम के साथ ऐसा कुछ किया करो पाकिस्तानी, इंडिया में देखो उसकी कितनी कदर है, इतनी इज्जत मिल रही है, शाहीन अफरीदी खुद कंफ्यूज हो गए, इतनी इज्जत उसको ससुराल से नहीं मिली अफरीदी भाई से जितनी उसको इंडिया में जाके मिल रही थी, इस बार तो यार दिल ही खुश करती है इंडिया वालों, आप लोगों ने यकीन मानो इतनी इज्जत दी है ना, मेरा दिल से तुम लोगों को सलाम है यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी जो मीडिया थी वो जमकर तारीफ कर रही थी भारत की मेहमान नवाजी में, क्योंकि हम पहले से सदियों से ये चली आ रही कि अतिथि देवो भव, दुश्मन भी अब अगर एक दिन आपके घर में मेहमान है तो आपको उसको मेहमान की तरह रखना चाहिए, बाद में वो आपका दुश्मन हो सकता है लेकिन जब वो मेहमान की तरफ से आता है तो ये उसको मेहमान, वो तो मतलब पाकिस्तानी आर्मी तो नहीं है ना, वो तो पाकिस्तानी टीम है, उसके साथ हमारा क्या ही है।
वो तो खेलने आई है, और ऐसे भी मतलब हमारे साथ क्या चाइना क्या अच्छा है, तो जब मतलब इंडिया में जो एशियंस गेम होंगे क्या चाइना के प्लेयर यहाँ नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इस तरीके की खेल को इस सबसे परे रख देना चाहिए कि खेल एक खेल भावना होता है, उसको खेल भावना की तरह, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में भी लोग हेट फैलाते हैं, भारत में भी लोग हेट फैलाते हैं, तरह तरह की बात, जैसे सिकंदर बख्त जैसे लोग हो गए, उनकी तो मतलब उनकी जहनी बीमारी हो गई है, उसको कुछ अब इलाज उसका सही नहीं हो सकता, वो जो मरेगा वो जगह सही होगा, लेकिन उसका दिमाग जीते जीते उसका दिमाग कभी सही नहीं किया जा सकता। लेकिन कल जिस तरीके से भारत ने ये दिखा दिया कि मेहमान नवाजी में अगर कोई टॉप कर सकता है वो तो भारत है, अतिथि सत्कार में भारत को कोई पछाड़ नहीं सकता, और दुश्मन को ऐसा स्वागत देखकर जब दुश्मन ही हैरान हो जाए तो अब बाकियों की क्या बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तानी टीम को जो स्वागत मिला इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।